एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आप लोग ने तो थंबनेल देख ही लिया होगा और शायद आप में से बहुत से लोग को आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में पता भी चल गया होगा। तो चलिए आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने बाड़ी में हूँ अभी और मेरे सारे फ्रेंड्स लोग भी वहाँ नीचे तालाब में बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी मैं भी वहाँ जाऊँगा। और थंबनेल के बारे में कुछ बताने से पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ें दिखाऊँगा जो आप लोग देखिएगा तो अच्छा लगेगा आप लोग को भी। नीचे अभी गिरते अभी बार बार बचे हैं तो अच्छे से उतरते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये तालाब में पानी सूख गया है। कल यहाँ पे मगरमच्छ मिला था एक, तो उसको हम लोग गए और मार्केट में बेच के आ चुके हैं, पैसा भी ले लिए उससे। और वो वहाँ बैठे हुए, वहाँ पर भी एक चीज़ है, वहाँ पर मैं दिखाऊँगा आप लोग को वो चीज़। मैं जो आप लोग को दिखाने वाला हूँ वो असल में है एक कीड़ा है। वो किस टाइप का है वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल ही पूरा ट्रांसपेरेंट कीड़ा है। इसकी हम एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हैं, ये इतना ट्रांसपेरेंट है। अब ये कुदरत का देन है, तो इसको देख लीजिए अच्छे से। सब लोग हैं, अभी मैं जा रहा हूँ वसी को घर छोड़ना है, उसके बाद फिर आप लोग को हम मेन वीडियो के टॉपिक पर आके बताएँगे कि ऐसा थंबनेल मैंने क्यों लगाया, इसके पीछे का क्या रीज़न है। ए, हम भी चढ़ेंगे, रुक जा। आओ आओ, उसको वहाँ गेट तक छोड़ कर आते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं और आप लोग को वीडियो के टॉपिक के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। फाइनली गाइज, अभी मैं बताने वाला हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। आज जब सुबह मैं सोकर उठा और मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल ऑन किया तो मैंने देखा एक नोटिफिकेशन आया, और मैंने जब उस नोटिफिकेशन को चेक किया तो मैंने क्या देखा कि सौरभ जोशी व्लॉग्स नाम का एक कमेंट आया हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये कहीं ओरिजिनल सौरभ जोशी व्लॉग्स ने तो कमेंट नहीं किया। मैं क्या बताऊँ, मैं उस वक्त इतना खुश हो गया कि पता नहीं, मैं उस वक्त पागल ही हो गया था, क्योंकि मैं एक स्मॉल यूट्यूबर हूँ, स्मॉल ब्लॉगर हूँ, और सौरभ जोशी जो इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर है उसने मेरे वीडियो पे कमेंट किया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि उन लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने चैनल के अलावा किसी और के चैनल को चेक करें, क्योंकि अब वो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं तो उनके अपने चैनल में ही बहुत सारे काम रहते हैं जिनमें वो बिज़ी रहते हैं। तो दूसरे का चैनल चेक करना ये कोई छोटी बात तो हो नहीं सकती है। अभी मैं आप लोग को वो कमेंट भी दिखाऊँगा जो कमेंट आया था, उसके बाद फिर और कुछ भी बताऊँगा जो आप लोग को जानना थोड़ा ज़रूरी है। चलिए मैं कमेंट दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। देखिए वो कमेंट जो आया हुआ है, सौरभ जोशी व्लॉग्स नाम का वो कमेंट है जो 4 घंटा पहले आया था। तो मैंने इसी कमेंट को देखा और मैं वो वैसा सोचने लगा। आप लोग कमेंट देख चुके हैं, अब मैं इस कमेंट के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। जब मैंने इस कमेंट को अच्छे से चेक किया, उसके चैनल में जाके मैंने अच्छे से रिव्यू किया, तब मैंने देखा कि ये तो फेक आई डी है और ये आई डी एक दिन पहले ही बनाई गई है। और ये जब मैंने और इससे अच्छे से पता किया तो मुझे क्या पता चला, जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे उन्होंने ही ये आईडी बनाया था और उन्होंने ही मेरे चैनल पे कमेंट किया था ताकि मुझे ऐसा फील हो। तो अब आप सोच सकते हैं कि मेरे फ्रेंड्स लोग कैसे हैं, मुझे झूठी उम्मीद देना चाहते हैं और मुझे ही परेशान करते हैं। मुझे परेशान करके खुद आराम से वो लोग बैठे हुए रहते हैं ताकि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ और ये सब चीज़ें सोचूँ। देखिए मुझे परेशान करके वो लोग खुद कितने मज़े से बैठे हुए हैं और अपने चैनल के लिए वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और मुझे पूरा परेशानी में डाल चुके हैं। देखिए कितने आराम से बैठे हुए पेड़ पे चढ़ के बंदर जैसे। तो गाइज आज का व्लॉग इतना ही था, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।